हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं रस्तान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि टुल्लू पंप जो आप घरों में यूज करते हो, आधा एचपी का हो चाहे 1 एचपी का हो, उसमें यदि पानी घुस जाए तो आपको क्या करना है, कैसे उसको रिपेयर करना है। जब आपके मोटर में पानी चला जाता है तो और आपने उसके स्विच को ऑन कर दिया है, उसे चला दिया है, तो क्या होगा कि या तो आपकी मोटर जल जाएगी या फिर जो कनेक्शन के वायर अंदर कोयलों से अटैच होते हैं वो वहां से जल जाएंगे और जलकर बाहर निकल जाएंगे और कभी कभी मोटर भी जल जाती है। आपके मोटर में यदि पानी चला गया तो उसको रिपेयर किस प्रकार से करना है, आपको जानना है और सीखना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। उसके बाद में कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मोटर में किस प्रकार से पानी चला जाता है और इसको रिपेयर करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और कैसे आसानी से आप रिपेयर घर पर ही कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपके घर पर भी टुल्लू पंप है, आधा एचपी का हो या 1 एचपी का, तो ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। तो देखिए कुछ प्रकार इसी प्रकार से हमने इस मोटर को ओपन किया हुआ है, ओपन हमने कर लिया है तो इसमें पानी चला गया था। तो पानी की वजह से जब पानी चला गया तो कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया और इसका स्विच ऑन कर दिया, तो यहाँ से वायरिंग जल गया है और वायर जलकर बाहर निकल गए हैं। तो ऐसा आपकी मोटर के साथ भी होता है, तो आप कैसे रिपेयर करना है तो ये सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो के बीच में स्किप नहीं करिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से पूरा मोटर अंदर से भिगा हुआ है और कुछ इस प्रकार से बरसात का पानी इसके अंदर चला गया है। यदि आपके घर पर भी इस प्रकार की मोटर है तो मोटर को पानी से बचा कर रखना ज़रूरी होता है। यदि आप भी मोटर बरसात के टाइम में बाहर भूल गए हैं, अंदर रखना भूल गए हैं, तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है आपके साथ भी और इसको रिपेयर किस प्रकार से करना है। कुछ मोटरें जल जाती हैं और कुछ में इस प्रकार का फॉल्ट आ जाता है, तो इस प्रकार का फॉल्ट है तो आप घर पर भी रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार से इसमें 1550 का कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। और इसके सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मोटर के साथ क्या करना है, इस मोटर को इस प्रकार से हमने खोल रखा है, इस प्रकार से आपको ओपन करके रखना है और अच्छी धूप के अंदर आपको इस मोटर को रख देना है ताकि इसका पानी जो अंदर का जो वाइंडिंग में पानी चला गया है ये अच्छे से क्लीन होना चाहिए। अच्छे से सूखने के बाद ही आपको इसमें आगे का प्रोसेस करना है। तो हमने लगभग 12 से 13 घंटे इसको अच्छी धूप के अंदर रख दिया है और इसको अंदर से क्लीन कर लिया है। और इसको यहाँ पर क्लीन करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि इसके वाइंडिंग के वायर ना कटे, आपको सावधानी पूर्वक इसके अंदर जो नमक जैसा जमा हो गया है इसको हटाना है और बिल्कुल क्लीन इसको कर लेना है। और उसके बाद में आपको अच्छी धूप के अंदर इसको सुखा देना है। और उसके बाद में आपको बताते हैं कि इसके बाद में आपको क्या करना है। देखिए ये अच्छे से सूख गई है मोटर, कुछ 12 से 13 घंटे इसको धूप में रखा और उसके बाद में देखिए अच्छे से सूख कर तैयार हो गई है हमारी मोटर। और इसके कनेक्शन जो है किस प्रकार से करते हैं देखिए, यहाँ से इसके कनेक्शन जल गए थे तो इसको कैसे कंप्लीट करना है, आप भी घर पर ही इस काम को कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव नहीं रहेगा, यदि रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो धागे सिलाई के जो धागे लगे हुए हैं इसको हटाना है यहाँ पर, और इसको जितना ही हटाना है जितना आपको ज़रूरत है, ये वायर आपको निकालने हैं यहाँ से उतना ही आपको इसको हटाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर हटा लिया है, हटाने के बाद में देखिए ये जो कनेक्शन के वायर बीच से जल गए थे इसके ऊपर का जो स्लीव है इसको हटाना है। और देखिए वायर हमने अलग कर लिए हैं और वायरों को सावधानीपूर्वक अलग करना है कि यदि अंदर से वायर टूट जाते हैं तो ये रिपेयर नहीं होगा, आपको दोबारा रिवाइंडिंग करवाना ही पड़ेगा। तो देखिए सावधानीपूर्वक इन वायरों को हटा लेते हैं और यहाँ पर आपको कुल टोटल 4 वायर आपको देखने को मिलेंगे। और मोटर के बाहर लगभग नई मोटर लेकर आते हैं तो 3 ही वायर निकले रहते हैं और कैपेसिटर का कनेक्शन यदि अंदर ही दिया गया है तो 4 वायर कुल बाहर निकले रहते हैं, 2 कैपेसिटर के और 2 सप्लाई के। लेकिन हम इस मोटर से आप यदि घर पर रिपेयर करते हैं तो आपको क्या करना है, इन 4 वायरों को बाहर निकाल लेना है। और कैपेसिटर का वायर बाहर किस प्रकार से देते हैं यह हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो देखिए आपको एक सीरीज टेस्टिंग लैंप की ज़रूरत पड़ती है, ये कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए रनिंग के और स्टार्टिंग के आपको देखना है सही है या नहीं। तो देखिए रनिंग और स्टार्टिंग दोनों शॉर्ट नहीं है अभी तो ठीक है, और बॉडी शॉर्ट भी आपको देखना है, देखिए बॉडी शॉर्ट भी नहीं है रनिंग और स्टार्टिंग की कोयलों में, दोनों में देख लेना है। और देखिए दोनों
रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों सही है, दोनों में बल्ब जलता है। और रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल किसे कहते हैं ये नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ जो नीचे की दो कॉइलें दिखाई दे रही है ये रनिंग वाइंडिंग की है, और जो ऊपर की जो दो कॉइलें दिखाई दे रही स्टार्टिंग कॉइल है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आपको देख लेना कहीं से वायर कट हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से जो इसके ऊपर की मोटर की बॉडी है इससे कोई भी वायर अटैच नहीं होना चाहिए, उसको आपको आसानी से देख लेना है, और कोई भी पेपर कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको कनेक्शन साइड में जाना है, और चार वायर आपको नज़र आ रहे हैं, दो रनिंग के हैं यानी कि नीचे वाले कॉइलों से निकले हुए हैं, और दो स्टार्टिंग के हैं। जो रनिंग के वायर हैं इस पर आपको वायर जो लगाना है वो हम लगा रहे हैं, ये जो येलो कलर के वायर दो लिए हैं और दो ब्लू कलर के लिए हैं। येलो कलर वाले वायर हैं हम रनिंग वाइंडिंग है उसके साथ में लगाने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दो वायर स्टार्टिंग के निकले हुए हैं, दो रनिंग के निकले हुए हैं। जो नीचे वाले कॉइल से निकले हुए हैं वो रनिंग के वायर होते हैं, और उन पर आपको जो भी वायर आपको लगाना है वो आपको ध्यान में रखना है कि ये हमने रनिंग पर लगाया था। यदि आप इस पर रेड कलर का वायर लगाते हैं तो रनिंग का आर और रेड का आर दोनों सेम होता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये रनिंग का वायर है। तो आप कलर कोडिंग के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद में अच्छे से आपको जॉइंट करना है, और जॉइंट करने से पहले आपको पता करना है कि इसके ऊपर जो वाइंडिंग का वायर निकला हुआ है उसके ऊपर का पॉलिश आपको हटा लेना है, जलाकर आप जलाकर भी इसे हटा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पॉलिश लगा रहता है। यदि आप सीधा ही कनेक्शन कर देंगे तो आपकी मोटर में ये करंट नहीं जाएगा और आपकी मोटर नहीं चलेगी। तो आपको इसके ऊपर का पॉलिश जला लेना है, और उसके बाद में हमने पहले से जला रखा है तो उसके बाद में आपको यहाँ पर इसका जो स्लीव पाइप लगा रहता है उसको थोड़ा सा हटाना है, और उसके बाद में कनेक्शन अच्छे से कर लेने हैं। और जो दोनों येलो कलर के वायर है हमने दो वायर जो रनिंग कॉइल से आए हुए थे उसके अंदर अटैच कर दिया है। उसके बाद में इसके ऊपर आपको स्लीव पाइप लेना है, और स्लीव पाइप इसके ऊपर डाल देना है, और वो भी किस प्रकार से लगाते हैं हम आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल आसान होता है इसको रिपेयर करना। आप यदि आपने कभी रिपेयर नहीं किया फिर भी इस प्रकार की मोटर को आप वीडियो देखकर भी रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दो वायर ले लेने हैं, और वायर लेने के बाद में यहाँ पर ये स्टार्टिंग कॉइल के वायर हैं, तो स्टार्टिंग जो कॉइल से दो वायर निकले हुए हैं, जो ऊपर की कॉइलें हैं उनसे दो वायर आए हुए हैं, उनके साथ आपको जोड़ देना है। तो देखिए इस प्रकार से हमें जॉइंट करना है अच्छे से। अगर इसके ऊपर का पॉलिश आप हटा सकते हैं, और इसका ऊपर का जो पॉलिश है आप कैंची वगैरह की सहायता से भी आप हटा सकते हैं बिना जलाए भी। तो कुछ इस प्रकार से एक पतला सा वायर आपको नज़र आता है, इसको इसके साथ अटैच करना है जो बाहर हम वायर निकाल रहे हैं। तो इसको अच्छे से हमने कनेक्ट कर दिया एक वायर को, और दूसरे वायर को भी इसी प्रकार से आपको अटैच कर देना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और हाउस वायरिंग और सोलर पैनल से रिलेटेड वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें। तो देखिए दूसरा वायर भी हमें इसी प्रकार से अटैच कर देना है, क्योंकि वायर अटैच करना बिल्कुल आसान होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें जॉइंट कर सकते हैं। तो देखिए हमें अच्छे से इस प्रकार से जॉइंट कर लेना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने जॉइंट कर लिया है, और कुल चार वायर हमारे हो चुके हैं, दो ये स्टार्टिंग के वायर हैं और ये रनिंग के हैं जो येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसमें आप गेज का भी अंतर रख सकते हैं जिसे आपको पता चल जाए। ये हमने 1.5 square mm का लिया है, और स्टार्टिंग के जो वायर है ब्लू कलर वाले वो 1 square mm के वायर हमने लिए हैं। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा जो गेज हाई गेज के वायर होते हैं ये रनिंग के वायर हैं। तो इससे इस प्रकार से भी आप वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर का PVC हटा लेना है, और उसके बाद में आपको चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं। दो सेम कलर वाले वायर इस टेस्टिंग लैंप में लगाते हैं तो टेस्टिंग लैंप आपका जलना चाहिए तभी आपका वाइंडिंग सही होगा। तो इसी प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल देखना है, तो देखिए जल रहा है बल्ब तो स्टार्टिंग कॉइल भी बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप दो अलग अलग कलर के वायर टेस्टिंग लैंप में लगाते हैं तो उसमें बल्ब ग्लो नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो आपकी कॉइलें शॉर्ट होती हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसके ऊपर स्लीव पाइप आप अच्छे से लगा लेना है।
यदि आपने जॉइंट अच्छे से किया है तो आपकी वाइंडिंग जो टेस्टिंग लैंप है वो सही बताएगा। तो देखिए इस प्रकार से इसके ऊपर सभी के ऊपर आपको स्लीव पाइप अच्छे से लगा लेना है और स्लीव पाइप इतना बड़ा रखना है कि ये बाहर निकल जाए, वायर कहीं बॉडी पर डायरेक्ट टच ना हो, क्योंकि जो मोटर की बॉडी है वो गर्म होती है, उसके वजह से वायर जल जाते हैं और ये जो स्लीव पाइप होती है ये जलती नहीं है जल्दी से। तो कुछ इस प्रकार से आपको कट कर लेने वायर के कुछ पीस, और इसके ऊपर आपको जो रनिंग कॉइल के वायर हैं येलो कलर के, इसके ऊपर आपको लगा देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से लग जाते हैं और इस प्रकार से आप घर पर ही इस मोटर को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और हमें आगे इससे भी अच्छे वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसलिए आपको लाइक अभी से कर देना चाहिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से स्लीव लगाने के बाद में एक बड़ा स्लीव लेकर इसके ऊपर हम डाल देते हैं, ताकि इस प्रकार से भी पता चल जाए कि ये रनिंग वाइंडिंग के वायर है, दोनों को एक साथ हमने कर देना है और ये मोटर की बॉडी से भी अटैच नहीं होगा। डबल प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि इस पर डबल स्लीव हमने लगा दी है। तो कुछ इस प्रकार से फिक्स करने के बाद में स्लीव पाइप इन सभी वायरों को आपको यहाँ पर होल दिया रहता है बाहर निकालने का, इन वायरों को बाहर निकाल लेना है अच्छे से। उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि इसमें कैपेसिटर का कनेक्शन कहाँ पर होगा और किन दो वायरों को आप इलेक्ट्रिसिटी में लगाएंगे, और इसको चलाकर भी हम दिखाएंगे कि हमारी जो मोटर है वो सही हुआ है या नहीं। और ये पानी से फुली भर चुका था मोटर, उसके बाद भी ये मोटर आसानी से चलेगा। इसको रिपेयर करना बिल्कुल ही आसान है, कुछ मोटर पूरा ही जल जाते हैं तो उसे तो आपको रिवाइंड करवाना ही पड़ता है, लेकिन लगभग मोटरें जो है वो पूरा नहीं जलकर उसके जो जॉइंट हैं वही जलते हैं और आपको पता नहीं होता है, आपको जानकारी नहीं होती है, तो आपको पूरा मोटर जलने का पैसा ले लिया जाता है। तो इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और इसमें क्या दिक्कत होती है, क्या ये सही में वर्क करेगी या नहीं, तो देख वीडियो को लास्ट तक देखना है। उसके बाद में देखिए हमने कुछ कॉटन टेप लिया है, इससे इसकी सिलाई कर देनी है, वापस जितने धागे हमने यहाँ से कट कर दिए थे वो वापस से आपको लगा देने। यदि आपके पास इस प्रकार का धागा अवेलेबल है तो उससे भी आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए हमने कॉटन टेप से इसको दो तीन जगह से अच्छे से बांध दिया है। तो इस प्रकार से आप इसमें रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसके ऊपर लगाने का जो ये रबड़ जैसा लगा हुआ है बॉक्स, इसको यहाँ पर लगा देना है ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके। जब ये मोटर अच्छे से फिटिंग हो जाएगा तो इसके ऊपर से जो पानी आएगा वो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर इसको हम लगा देते हैं, और यहाँ पर वैसे भी हमने जॉइंट नहीं रखा है, डायरेक्ट वायर हमने काफ़ी बड़े रखे हैं और बाहर निकाल लिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से इस दो बोल्ट लगे रहते हैं, इसको अच्छे से टाइट कर देना है। उसके बाद में जो इसका बाकी का सामान है वो हमने कस्टमर के घर पर ही छोड़ा हुआ है, वहीं से हम ओपन करके इसको लाए थे। तो वहाँ पर फिटिंग करने के बाद में हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या दिक्कतें निकली और ये सही से काम करती है या नहीं। उससे पहले हम इसका कनेक्शन करना आपको सिखा देते हैं यहीं पर। तो देखिए ये कैपेसिटर के वायर हैं, इनको यहाँ से इसका पीवीसी हटा लेना है, और इसका कनेक्शन कहाँ पर होता है ये हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए मोटर के अंदर से चार वायर हमने निकाले हैं, दो रनिंग के और दो स्टार्टिंग के। तो आपको क्या करना है, एक रनिंग का वायर और एक स्टार्टिंग का वायर एक साथ जॉइंट करना है, यानी कि दो कलर के वायर लेने हैं आपको। देखिए एक ब्लू वाला ले लेना है और एक येलो वायर को, कोई भी येलो वायर को एक साथ कर लेना है। जो वायर एक साथ होगा ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में एक वायर लग जाएगा, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो देखिए ये कॉमन वायर हमारा बन चुका है, और उसके बाद में जो दो वायर बाकी बचे हैं इस पर दोनों पर एक एक कैपेसिटर का वायर अटैच होगा। जो दो वायर कैपेसिटर के हैं देखिए, एक इस पर आपको लगा देना है और एक दूसरे वाले पर आपको लगा देना है। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी का वायर कहाँ पर लगाने ये मैं आपको बता देता हूँ। एक वायर आप दो वायर आपको लेने हैं, देखिए मान लीजिए ये दो वायर इलेक्ट्रिसिटी के हैं, तो ये आपको कहाँ पर लगाने हैं। एक वायर आपको यहाँ पर लगाना है कैपेसिटर जहाँ पर जुड़ा है,
येलो कलर का जो वायर आपको लगाए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कैपेसिटर जुड़ा है, इस पर लगाना है और एक वायर कॉमन वायर पर लगाना है, जो दो वायर साथ में है। अभी यदि आपकी मोटर उल्टा चलता है तो आपको सीधा घुमाना है, तो आपको क्या करना है, जो येलो कलर के वायर हैं इसको आपस में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले हम जो कैपेसिटर का ब्लू कलर में तार लगा हुआ है इस पर आपको टेप लगा देना है, क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है, इसी पर कैपेसिटर का वायर लगने वाला है। कोई भी आप ब्लू कलर का वायर ले लीजिए, यानी स्टार्टिंग कॉइल के दो वायर निकले रहते हैं, दोनों में से एक वायर पर कैपेसिटर का वायर लगेगा ही लगेगा। तो उसके बाद में क्या करना है, ये दो वायर इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे। यदि मोटर आपका उल्टा चलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस येलो कलर के वायर को हटाना है और दूसरे वाले येलो कलर को वायर को यहाँ पर लेकर आना है इसकी जगह कैपेसिटर के साथ, और जो येलो कलर का वायर पहले यहाँ पर था उसको इस कॉमन वायर के साथ में अटैच कर देना, और यहाँ पर अब 220 वोल्ट की सप्लाई आप दे सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो देखिए कनेक्शन वगैरह फिटिंग वगैरह करने के बाद हमने मोटर को ऑन कर दिया है, तो देखिए अच्छे से काम कर रहा है। तो देखिए इसका प्रेशर भी हम आपको दिखा देते हैं, जो वाटर का प्रेशर है ये काफ़ी अच्छा है। तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।